दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए वित्त विभाग भर्ती 2023 की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से इस भर्ती का ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी आज ही से स्टार्ट हो चुकी है। वित्त विभाग के अंतर्गत यहाँ पर और भी अन्य विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। 8169 टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इनमें टैक्स असिस्टेंट, टैक्स इंस्पेक्टर, क्लर्क, टाइपिस्ट, SI सब इंस्पेक्टर और भी अन्य पोस्ट है, जिनके लिए आपसे कई विभागों के अंतर्गत कई पोस्ट के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं वित्त विभाग भर्ती 2023 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त विभाग के साथ में और भी अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, जैसे कि होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग, मिनिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, रिवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, महसूल व वन विभाग। जी हाँ दोस्तों, कई विभागों के अंतर्गत यहाँ पर कई पोस्ट निकली है। पोस्ट है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो, टैक्स असिस्टेंट, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, क्लर्क टाइपिस्ट, पुलिस सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रूम ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर ऑफ स्टाम्प्स, सेकेंडरी इंस्पेक्टर, स्टेट एक्साइज और टेक्निकल असिस्टेंट की 8169 टोटल वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी की जाए तो क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 7034 वैकेंसीज है, टैक्स असिस्टेंट के लिए भी 468 वैकेंसीज है, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 374 वैकेंसीज है, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 159 वैकेंसीज है, असिस्टेंट रूम ऑफिसर के लिए 78 वैकेंसीज है, सब रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के लिए 49 वैकेंसीज है, सेकेंड इंस्पेक्टर स्टेट एक्साइज के लिए भी 6 वैकेंसीज है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी 1 पद खाली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए आज ही से शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 25 जनवरी 2023 है, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 14 फरवरी 2023 है, प्री एग्जाम की डेट 30 अप्रैल 2023 है, सेली क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 19,900 से 63,200 है, टैक्स असिस्टेंट के लिए 25,500 से 81,100 है, असिस्टेंट रूम ऑफिसर, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर और सब रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के लिए 38,600 से 1,22,800 सेली है प्रति माह के लिए, सेकेंडरी इंस्पेक्टर स्टेट एक्साइज के लिए 32,000 से 1,01,600 सेली है प्रति माह के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 29,200 से 92,300 सेली है। बात अगर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो बैचलर डिग्री यानी के ग्रेजुएशन डिग्री से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आयु सीमा टेक्निकल असिस्टेंट क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 19 वर्ष है और SI और टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 वर्ष है और मैक्सिमम ऑल पोस्ट के लिए 38 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फी जनरल कैटेगरी के लिए 394 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 294 है, EX सर्विसमैन के लिए 44 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। mpsc.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन के PDF ओपन हो जाएगी। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से ये विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट वाइज विभाग वाइज यहाँ पर सेली डिटेल और वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जैसे कि सहायक कक्ष अधिकारी के लिए देख सकते हो विविध मंत्रालय प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। यहाँ पर
पर 70 वैकेंसीज है और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के अंतर्गत भी 7 वैकेंसीज है। इसी तरह राज्य कर निरीक्षक वित्त विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है, पुलिस उप निरीक्षक ये गृह विभाग के अंतर्गत है, दुय्यम निबंधक इसके लिए यहाँ पर महसूल वन विभाग के अंतर्गत है, दुय्यम निरीक्षक गृह विभाग के अंतर्गत है, तांत्रिक यहाँ पर देख सकते हो जो सहायक है वित्त विभाग के अंतर्गत, कर सहायक की पोस्ट भी वित्त विभाग के अंतर्गत है, लिपिक यानी कि कलर के टाइपिस्ट की पोस्ट भी देख सकते हो। सबसे अधिक वैकेंसीज निकली है यहाँ पर, आपको पोस्ट वाइज और विभाग वाइज वैकेंसीज की पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ आवेदन करने के लिए डेट यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक फिल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की डिटेल दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर क्वालिफिकेशन की साथ साथ में यहाँ पर वैकेंसीज इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्री और मेन एग्जाम के लिए आप इसी पीडीएफ से ही चेकआउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पर विभाग वाइज भी पूरी डिटेल दे दी गई है और साथ ही साथ अप्लाई ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसीजर है कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो इस भर्ती के लिए, वो कंप्लीट डिटेल भी आप पीडीएफ से ही चेकआउट कर सकते हो। ऑनलाइन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है, इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी हमारे पोर्टल पर है, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एमपीएससी हेल्पलाइन, यहाँ पर आपको डिटेल्स दी गई है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट ईमेल यहाँ पर आपको दी गई है, अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सेंटर में आप देख सकते हो नोटिफिकेशन का लिंक है, साथ ही साथ यहाँ पर पोस्ट प्रिफरेंस जनरल इंस्ट्रक्शन और भी डिटेल्स दी गई, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर्म फिल करने के लिए कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने पहले से इस भर्ती पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आपको लॉगिन के क्लिक करना होगा, लॉगिन पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस लॉगिन के लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका लॉगिन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद में पासवर्ड, उसके बाद में कैप्चा यहाँ पर फिलअप करते हुए लॉगिन करना होगा और बाकी का फॉर्म फिल करना होगा। और अगर आपने यहाँ पर पहले से इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें ईमेल आईडी डालनी होगी, उसके बाद में मोबाइल नंबर और ओटीपी जनरेट करना होगा। यहाँ पर आपको ओटीपी रिसीव होगा जो आपके ईमेल एड्रेस पर, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा और जो मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद में पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इसमें फिल करनी होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो जो डिटेल्स यहाँ पर शॉर्ट डिटेल्स मांगी गई वो फिल करने के बाद में रजिस्टर टैब पर क्लिक कर देना होगा, ऐसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फिर से लॉगिन करना होगा इस पोर्टल को, उसके बाद में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी होगी और पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, और उसके बाद में आपको फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा प्रीव्यू चेक करने के बाद में। तो दोस्तों ऐसे आप सिंपल तरीके से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।